हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अनुपसर में। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, सभी क्लासेस बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, हम एक टॉपिक कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमने संसद का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। संसद के बारे में हमने बताया था कि संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हमने लोकसभा लास्ट दो क्लासेस कर चुके थे उनके बारे में, आज हम राज्यसभा की भी इसी तरह पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के बारे में, हमें पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखो, राज्यसभा के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा है 79, 80 और 81 वाला वो लफड़ा है, उसका ध्यान रखना। स से बनेगा, यानी स से संसद, स र ला, स से संसद, र से बनेगा राज्यसभा, र से राज्यसभा, और ला से बनेगा दोस्तों लोकसभा, लोकसभा। तो याद रखना दोस्तों, 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा दोस्तों, लोकसभा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो राज्यसभा है इसका अन्य क्या नाम था दोस्तों, अन्य नाम क्या था दोस्तों? इसका अन्य नाम था दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सिंपल से बिल्कुल जीरो से लेकर और डीप तक इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आज हमें करने वाले हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था। इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा? राज्यसभा का नाम या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम पहली बार राज्यसभा कब आया? तो अगस्त 1954 में दोस्तों, अगस्त 1954 में राज्यसभा नाम में आ गया था। राज्यसभा की यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 13 अप्रैल 1952 में। स्थापना ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? तो स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1952 में। उसके बाद अगर पूछ ले कि पहली बैठक, दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो मैंने पहले बताया था इनकी लगभग, सॉरी 3 अप्रैल है, ये 13 मई है दोस्तों, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा और लोकसभा के से संबंधित, दोनों की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में कि इनके नाम क्या कहे दोस्तों। नाम कई बार पूछ लेते हैं, इसको कहते हैं उच्च सदन दोस्तों, उच्च सदन। उसके बाद विशेषज्ञ सदन भाई, विशेषज्ञ सदन, बुजुर्गों का सदन दोस्तों, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं बुजुर्गों का सदन दोस्तों, बुजुर्गों का सदन इसी को ही कहते हैं दोस्तों। उच्च सदन कहते हैं, विशेषज्ञ सदन कहते हैं, और बुजुर्गों का सदन भी इसी को ही कहते हैं। और एक आता है दोस्तों स्थाई सदन, स्थाई सदन दोस्तों, स्थाई सदन। ये सभी किसके नाम है? तो ये सभी राज्यसभा के नाम है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें ये तीनों नाम एक ही कारण होते हैं दोस्तों, उच्च सदन, बुजुर्गों का सदन और विशेषज्ञों का सदन, क्योंकि इसमें जो इसके जो सदस्य होते हैं वो 30 वर्ष से ऊपर होते हैं, यानी लोकसभा से बुजुर्ग व्यक्ति इसमें जाते हैं। स्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होते दोस्तों, ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होने कारण इसको एक स्थाई सदन कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो याद रखना, उच्च सदन कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, और स्थाई सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कि इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो संरचना में सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके सीटों पर दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन बनता है दोस्तों किसी भी राज्यसभा या लोकसभा के बारे में किसी भी एग्जाम में, तो पहले सबसे पहले पूछेगा वो सीटों के बारे में। तो देखो उसी तरह करते हैं, कुल सीट, कुल सीट दोस्तों, उसके बाद वर्तमान में सीट, वर्तमान में सीट दोस्तों, उसके बाद राज्यों से, और उसके बाद इसमें एक और आ जाता है, या पहले कर लो चुनाव होता है, चुनाव होता है,
और दूसरा राष्ट्रपति चुनता है। दोस्तों पहले ये यहां तक देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनता है। तो देखो कुल सीट कितनी है, राज्यसभा की जो कुल सीट है वो 250 है, 250 सीट है। दोस्तों राज्यसभा में कुल सीट कितनी है, तो 250 में वर्तमान में कितनी है, तो 245। दोस्तों कितनी है, 245, 5 सीट खाली है। जो 5 सीट वैकेंट है खाली है, ये कब तक बढ़ाई जा सकती है, सेम वही है लोकसभा वाला, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों ये 2026 तक है, 250 की जा सकती है, 250 से ऊपर नहीं होगी 2026 से पहले। दोस्तों अब देखो वर्तमान में है 245, इसमें चुनाव कितनों पर होता है और राष्ट्रपति कितनों को चुनता है। दोस्तों तो देखो चुनाव होता है वो होता है दोस्तों 233 पर, 233 पर, और राष्ट्रपति कितनों को चुनता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति 12 को चुनाव करता है, 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति, पहले इसको छोड़ दो, पहले राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो 81 के तहत, भाई अनुच्छेद 81 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों ध्यान रखना, अब क्वेश्चन आता है ये 12 सदस्य कौन होती है, तो 12 सदस्य भाई शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद आदि में जो बढ़िया काम करे, शिक्षा में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल कूद में जो बढ़िया काम करता है राष्ट्रपति उसको अनुच्छेद 81 के तहत मनोनीत कर लेता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका चुनाव नहीं होता है, मनोनीत होता है। शिक्षा में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल कूद में जो बढ़िया काम करता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर लेता है। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन लिख लो कि भाई कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी दोस्तों नरगिस दत्त। दोस्तों नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी, नरगिस दत्त, पहली महिला नहीं सॉरी अभिनेत्री करनी है, पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। महिला पूछ ले, महिला कि भाई राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडले पहली ऐसी महिला थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी। दोस्तों ये अभिनेत्री में करना है और ये महिला में करना है, राष्ट्रपति इनका मनोनीत करता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं, अब देखो चुनाव होता है तो चुनाव भी अलग अलग होता है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव। तो राज्यों से बात कर ले दोस्तों, तो राज्यों से इसमें देखो 229 और प्लस में चार 233। चार में ध्यान रखना दोस्तों, एक तो दिल्ली जिसमें 3 सीट है और एक है दोस्तों पुदुचेरी, पांडिचेरी था नाम दोस्तों इसका पहले, लेकिन 2006 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, पुदुचेरी कर दिया गया। इसमें एक है, तो टोटल कितनी सीट हो गई है, 4 सीट है जो केंद्र शासित प्रदेशों से, और राज्यों से वो 229 सीट है, तो जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होगी उसमें सीटें ज़्यादा होती है। दोस्तों ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, सीटों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दोस्तों आप अपनी साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, यदि आपको कुछ भी नया मिले हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कार्यकाल का, कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो याद रखना राज्यसभा का, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष 5 वर्ष और 1 दे देगा 4 वर्ष और 1 इनमें से
कोई नहीं, कोई नहीं, या फिर दूसरा ऑप्शन दे देता है कोई कार्यकाल नहीं, कोई कार्यकाल नहीं। तो याद रखना, पहले क्वेश्चन देखना, उसने अगर पूछा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना या तो एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, या देगा कोई कार्यकाल नहीं। तो ये करना है आपको, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है दोस्तों। हाँ, अगर पूछ ले सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो 6 वर्ष का होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं दोस्त, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ये ध्यान रखना कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, आने वाले अगले उनके स्थान पर कोई और चुनाव कर लेता है, और फिर ऐसे बढ़ते रहते, कभी भंग नहीं होते, यानी राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होती। इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों। अब हम आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सभापति व उपसभापति, उपसभापति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का गठन होता है? तो वो 89 अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा और जो राज्यसभा का सभापति है और उपसभापति है, इनका गठन होता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन और बन जाता है कि इनका जो सदस्य है राज्यसभा, पहले क्वेश्चन और बन जाता है, ध्यान रखना कि इसके सदस्यों की आयु पूछ लेता है दोस्तों, आयु पूछ लेता है राज्यसभा के सदस्यों की आयु पूछ लेता है। तो एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले देखो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, यही जो संसद है इसके 3 सदस्य 3 अंग होते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो, आयु तो ये मेन क्या है, इसकी आयु की बात करें हम, एज की, तो 25 ईयर यानी 25 वर्ष होता है। लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उसकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। ये तीनों ध्यान रखना न्यूनतम होती है, ये न्यूनतम आयु है, इससे अधिक का बनेगा ची फिर वो 100 साल 150 साल ची कितने वर्ष का हो वो बन सकता है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखना, आयु मेन है, कई बार पूछ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से आयु है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सभापति और उपसभापति, तो ध्यान रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति हमेशा कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, पहला और वर्तमान में दो ही पूछेगा दोस्तों, पहला और वर्तमान में। तो पहला कौन था? तो पहला था दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू दोस्तों। कौन है वर्तमान में? वेंकैया नायडू। ठीक, जो अगला हम पार्ट लेके आएंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो वो 2 पार्ट में होगा दोस्तों। एक में तो हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सभी अनुच्छेद 52 से लेकर 61, 62 और जो 72 में है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी क्लास हम लेके आएंगे जो व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भी राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इनके बारे में भी एकाध क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हम 2 क्लास में राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक करेंगे, बिल्कुल डिटेल से करेंगे दोस्तों। तो पहला सभापति कौन है राज्यसभा का? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? तो वेंकैया नायडू। उपसभापति पहला, तो पहला है दोस्तों एस वी कृष्णमूर्ति पहला उपसभापति। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में है अभी थोड़े दिन पहले हरिवंश
हरिवंश नारायण सिंह दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति है दोस्तों, राज्यसभा के उप सभापति है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेतन की। पूछ सकता है कई बार राज्यसभा के सदस्य का वेतन कितना, सॉरी सभापति का वेतन कितना होता है, तो याद रखना 4 लाख रुपए होता है। ये उपराष्ट्रपति को मिलता है, क्योंकि ये वर्तमान में जो राज्यसभा है इसका जो उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है, हम इसे आपको पता है। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कभी भी वेतन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका वर्णन आपको कहीं भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है ये एक संवैधानिक वैसे ही है दोस्तों, वैसे तो मनाया जाता है, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद में, लेकिन वैसे नहीं है, कोई नामचारे का ही है, इसका कोई काम नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ संविधान में नामचारे का ही मिलेगा आपको दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, जब राष्ट्रपति देश से बाहर चला जाए या कोई काम करने के लिए कहीं पर चला जाता है, तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। लेकिन वो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर ही काम करेगा। तो याद रखना उपराष्ट्रपति का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब किसी का कोई कार्यकाल नहीं होता है तो उसको वेतन नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, वो वेतन लेता है 4 लाख रुपये, वो सभापति के तौर पर, राज्यसभा के सभापति के तौर पर लेता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो याद रखना कोई भी जो विधेयक होता है वो पहले राज्यसभा में होता है, फिर सॉरी लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले जो कानून है, विधेयक है, वो राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य अपने बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेता है कई बार कि उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा कि जो 2/3 सदस्य होते हैं ना, वो अपने बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकते। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ 2/3 सदस्यों ने बहुमत जारी किया और उपराष्ट्रपति हट जाएगा, नहीं। पहले विधेयक इसमें पारित होगा राज्यसभा में, हाँ राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने बहुमत पारित कर दिया, उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में और लोकसभा फिर इसकी जाँच होगी, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और फिर राष्ट्रपति के बाद उसको, उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, राज्यसभा की एक शक्ति और है इसमें प्रमुख है कि भाई अखिल भारतीय सेवा में कोई भी अन्य पद जोड़ना हो, जैसे इसमें 3 होते हैं, एक तो होता है IAS, एक होता है IFS, एक होता है IPS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस दोस्तों। इसकी जगह एक और जोड़ना हो, जैसे IFS और भी जोड़ना हो, IAS की जगह CS जोड़ना हो, या कुछ भी ऐसे कुछ भी जोड़ना हो, तो वो पहले विधेयक किसमें पारित होगा? पहले विधेयक पारित होगा दोस्तों राज्यसभा में, और ये किसमें है? अखिल भारतीय सेवा वाला अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में क्या है कि राज्यसभा पहले बहुमत पारित करके अखिल भारतीय सेवा में और भी पद जोड़ सकती है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये थी एक राज्यसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एक क्लास। कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।